सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की वार्ता शुरू करने से पहले उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के जिम्मेदार साथियों की ओर से, माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, सभी उम्मीदवारों की तरफ से, जो हाल में बुलंदशहर में जो घटना घटित हुई है, जिस तरह हाथरस में एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय जिस तरह सरकारी तंत्र उनकी न्याय की गुहार की आवाज को दबाने में जुटा था, एक हृदय विदारक घटना यहां बीती है। मैं उस पीड़ित परिवार, हम सब की ओर से उस पीड़ित परिवार की तरफ के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आएगी जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए ऐसे जघन्य अपराधों के लिए, और ऐसे जघन्य अपराध रचने वालों को सख्त से सख्त कानूनी सजा मिलनी चाहिए। तो ये विश्वास दिलाता हूं कि जब सरकार आएगी और हम जिस तरह का परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह की गवर्नेंस, सुशासन जनता को देना चाहते हैं कि महिला सुरक्षा पर बड़ी पहल कर उत्तर प्रदेश में व्यावहारिक परिवर्तन हम लाएंगे, उस परिवार की न्याय की लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। आज इस बैठक में मैं एक बड़ा संकेत आपके माध्यम से देना चाहता हूं। लोग जो सत्ताधारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो एकता हमारे बीच की बनी है, जिस तरह से किसान कौम, कमेरा वर्ग, सभी जाति और धर्म के लोग और खासतौर से नौजवान बड़ी उम्मीद के साथ गठबंधन के प्रति हमारे इस कारवां में साथ चल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की बौखलाहट सामने आ रही। योगी जी के बयानबाजी को आप देखें, और बुलंदशहर भी कई बार वो आ चुके हैं, बड़े बड़े नेता कैंप कर रहे हैं और ऐसी भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं जो कभी हमने मुख्यमंत्री के इस पद पे विराजमान कभी किसी नेता के माध्यम से ऐसी बातें सुनी नहीं। तो पद की अपनी गरिमा होती है, पद का अपना एक विश्वास होता है। ऐसा लगता है कि हार की बौखलाहट उन्हें सता रही, और आज तो कुछ मौसम भी बदला लग रहा है, लगता है कि गोरखपुर से उन्होंने कुछ कोशिश की है कि फिर दोबारा ठंड लौटे, लेकिन ये क्षेत्र किसानों की धरती रही है, किसान आंदोलन में इस क्षेत्र ने बड़ी भूमिका अदा की। यहां के घर घर में जवान देश की सीमा पर तैनात हैं, देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं, तो हमारा तो खून भी गर्म है और देश के लिए सब कुछ नौछावर करने के लिए हम लोग राजी रहते हैं। तो हमें धमकी देना इस क्षेत्र के मिजाज को, मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर होंगे। इस चुनाव का मुद्दा साफ है, नौजवानों को नौकरी दिलानी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीनी मुद्दे हैं, उनको लेकर हम लोग चल रहे हैं साथ, और बहुत अच्छी व्यवहार जो अखिलेश जी लगातार कर रहे हैं हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं, उस पर भी अखिलेश जी बताएंगे। लेकिन सीधी सीधी बात है, किसानों को फैसला करना है और नौजवानों को फैसला करना है। ये वो सरकार है जिसने कीले बिछाई, अवरोधक बनकर काम किया, ये वो सरकार है जो चुनाव के इतने बिल्कुल पूर्व संध्या पे भी जब बजट लाती है किसानों के लिए कुछ नहीं। केंद्रीय बजट में आपने देखा होगा, अवलोकन किया होगा, मध्यम वर्ग गरीब किसान के लिए इस पूरे बजट में कुछ नहीं। 34% तो नरेगा का बजट काट दिया। नरेगा वो योजना है जिसमें कम से कम
कोविड की महामारी के दौरान जब लोग पलायन करके घर जा रहे थे, गांव जा रहे थे, कुछ ना कुछ आर्थिक सुरक्षा उनको दी गई, सहायता उनको दी गई, और 34% उस योजना का बजट काट दिया। एक भी बार वित्त मंत्री ने उस योजना का जिक्र अपने भाषण में नहीं किया। और शायद जब से निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री बनी है, हालांकि उनका बजट भाषण जो है वो मुझे लगता है पीएमओ ज्यादा लिखता है, वो खुद तय नहीं करती, शायद जितने बजट भाषण दिए उन्होंने एक ही बार नरेगा योजना का जिक्र किया। तो उस गरीब वर्ग को उसके उत्थान के लिए हम फैसले लेगी और किसान को सम्मान मिले, सही समय पर भुगतान गन्ने की खेती कर रहे किसानों को मिले और कानून की व्यवस्था सख्त हो, इस ओर हमने बड़ा संकल्प लिया है। मैं फिर दोबारा स्वागत करता हूं अखिलेश जी का और उनको आमंत्रित करता हूं कि आगे की जो है व्यवस्था वो देखें। मैं जैन जी का धन्यवाद देता हूं और बहुत सारी बातें उन्होंने रखी। जहां से शुरुआत की कि बुलंदशहर की घटना आज पूरे उत्तर प्रदेश को चिंतित कर रही है और खासकर बेटियां बहन ये सोच रहे हैं कि लगातार सरकार ने यह कहा कि कोई भी बेटी अगर 12 बजे भी घूमना चाहेगी तो कहीं उसके साथ कोई घटना नहीं होगी। और सरकार के केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दिल्ली से गृह मंत्री से लेकर के जितने भी सरकार के लोग हैं ये बताने में कहीं चूक नहीं कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही हैं और आपके जिले में जो घटना हुई है वो हाथरस की घटना को याद दिलाता है। हाथरस की बहन के साथ जो हुआ उसके परिवार के लोग चाहते थे कि अंतिम संस्कार उनकी मर्जी से हो जाए लेकिन सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। और वहीं बुलंदशहर में इतनी निंदनीय घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, अभी भी अपराधी घूम रहे हैं, अभी भी सरकार उस परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आई है। दोषी कब पकड़े जाएंगे? हम यहां बैठे हमारे गठबंधन की तरफ से यही कहेंगे सरकार को कि दोषी जल्दी से जल्दी पकड़ें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो सरकार आज मदद कर सकती है सरकार मदद करने के लिए आगे आए। और जहां ये दावा करती है सरकार कि उसकी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं, कहीं कोई अपराध नहीं हो रहा है, कम से कम अब झूठ ना बोलना सरकार बंद कर दे। और अगर हम आंकड़े देखते हैं तो बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और आंकड़ों में भी कई प्रदेशों को उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ा हुआ है। जो सबसे अच्छी योजना थी पुलिस रिस्पांस सिस्टम डायल 100, नाम बदल करके 112 उसको कबाड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं आज भरोसा दिला सकता हूं, मैंने कल भी कहा कि पहले यह तय था कि 10 और 12 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाए मौके पर और इसको धीमे धीमे और अच्छा करना था जिससे कि कम समय में पुलिस पहुंच जाए। समाजवादी सरकार और आरएलडी के गठबंधन की सरकार, सहयोगी दलों की सरकार बनती है तो भरोसा दिला सकते हैं कि चाहे गाड़ियां बढ़ानी पड़े और बेटियों बहन के लिए जिस तरीके से 1090 पावर वुमेन लाइन बनाई गई थी, अगर स्ट्रक्चरली चेंज करके बेटियों की सुरक्षा के लिए डायल 100 डायल 112 में ही कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी तो की जाएगी और वहीं गाड़ियों की संख्या विशेष बढ़ा करके सुरक्षा का माहौल बनाने का काम ये दोनों गठबंधन के लोग करेंगे। ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी आरएलडी और एनसीपी के प्रत्याशी हैं, जगह नहीं जीत के जा रहे हैं।
आप ही बताइए, 1 घंटा 22 मिनट अगर कोई बोला है तो क्या उन्होंने अपना संकल्प पत्र पढ़ा होगा? जिस संकल्प पत्र में पहले पन्ने पर यह लिखा गया है, पहला संकल्प यह है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी, क्या आज किसानों की आय दोगुनी हो गई? जो लाखों लाख परिवार परेशान हुए लॉकडाउन के समय पर, पैदल पैदल चल करके गए, इसी सड़क से न जाने कितने मजदूर चले गए होंगे, घर पहुंचे होंगे, आज इनके पास झूठ बोलने के लिए भोपू तो हैं जो प्रचार के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन क्या उस समय मजदूरों की मदद के लिए इनके पास गाड़ियां नहीं थी? आज झूठ बोलने के लिए इनके भोपू जा रहे हैं हर गांव में, दावा कर रहे हैं कि इतनी वर्चुअल रैली करेंगे। एक पार्टी जो वर्चुअल रैली कर रही है, इतना संसाधन है उसके पास, क्या सरकार के संसाधन नहीं लग सकते थे जब मजदूरों को अब उनकी जरूरत थी घर पहुंचने की? इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, केवल उपलब्धि है झूठ बोलना, और जो जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी में नेता है उतना ही बड़ा झूठ सुन लो उससे। अरे तुम उनकी बात मान ली है कि तो बन गई? अरे भाई पत्रकार साथी, योगी जी की बात मानने लगोगे तो न जाने कहां चले जाओगे तुम। उन्होंने कहा तोप बनेगी, बन गई क्या अलीगढ़ में तोप? हमारे यहां कह रहे थे झांसी में मिसाइल बनेगी, झांसी वाले आज भी इंतजार कर रहे हैं कि मिसाइल कब बनेगी। जमीन ले ली, बाउंड्री जमीन नहीं ली गई, बाउंड्री तक नहीं बनी, और आप इनकी बातों का भरोसा मान रहे हो? अरे इनसे कहो कि भाई बुल हटा दो सड़क से। तुम क्यों उनकी बातों को मान रहे हो? आप इनकी बातों को मत मानिए। अरे गठबंधन ही तो सहयोग है एक दूसरे का, नहीं इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी अपने सभी सीनियर और जूनियर हैं जो आपके माध्यम से, अगर ये बात है, ये जो सच बोल रहे, अगर ये बात सच है तो भाई हम भी मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं, हमारे परिवार के लोग भी यहाँ खड़े हुए लोग, समाजवादियों के बहुत सारे परिवार के लोग भी फौज में होंगे और इसी जिले में, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया, इसी जिले में एक को वो योगेंद्र यादव, और योगेंद्र यादव को सबसे बड़ा अवार्ड मिला था, उनके गांव में मैंने 100 बेड का हॉस्पिटल दिया था। चलो जो हमने कार्रवाई की, घोषणा की सरकार के समय पर, इस भारतीय जनता पार्टी से पूछो, जो कारगिल के समय पर जो उसने जोखिम उठाया, जिसकी वजह से देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला उन्हें, उनके गांव का अस्पताल क्यों रोक दिया उन्होंने? और हम तो खुद ही मिलिट्री स्कूल के पढ़े हैं, अगर नड्डा जी वोट मांग रहे हैं तो हम भी अपने सीनियर जूनियर और जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं उन फौजियों को परिवारों से हम भी कहेंगे हमारी मदद करो। असली देशभक्त हम लोग बैठे हैं, जो नफरत फैलाएं, जो खाई पैदा करें, वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? जो समाज में झगड़ा कराएं, वो भेदभाव की नजर से देखें। तो वो कोई कंप्रेसर है क्या? जैसे आप फ्रिज है घर में, कंप्रेसर खराब हो जाए तो गर्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, तो क्या मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर हैं? देखिए ये तीन आना का झूठ या 2 आने का झूठ कहावत है, ये तो 3 लाख करोड़ का झूठ बोल दिया। उत्तर प्रदेश में जो MOU साइन हुए थे वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अगर बुलंदशहर में कोई बड़ा कारखाना लगा हो तो बताओ, हमारे जहां से मैं आ रहा हूं कहीं कारखाना नहीं लगा, और कोई इन्वेस्टमेंट हुआ तो बताए ना सरकार कहां इन्वेस्टमेंट हुआ। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कितना बजट आया होगा बुलंदशहर में? अगर हो सकता है खुर्जा के लिए कुछ पैसा आया हो, लेकिन सरकार बताएगी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कितना बजट दिया था आपने? MSME वाले रो रहे हैं, परेशान हो गए, कोविड के समय MSME बर्बाद हो गई इंडस्ट्री। नहीं हाँ, ये मैं इस पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो बात की है, जेवर बहुत पुरानी परियोजना है, समय पर सरकारें आई, उन्होंने उस परियोजना को आगे बढ़ाया, और बीच में बहुजन समाज पार्टी की सरकार उस समय भी बहुत आगे बढ़ा,
जब समाजवादी सरकार पिछली थी तो जो एनओसी मिला है, मैंने 3 एयरपोर्ट की एनओसी मांगी थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाए, एक हिरणगांव फिरोजाबाद में जो आगरा के लिए था एनओसी, दूसरा क्योंकि वो जेवर का और इसका मांग रहे थे तो मैंने सैफे का भी दिया कि अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं आप, तो ना हिरणगांव उन्होंने दिया। जो एनओसी मिला है वो समाजवादी सरकार के समय पे ही एनओसी मिला, और अगर एनओसी दे दिए गए होते तो शायद उत्तर प्रदेश में और एयरपोर्ट बन गए होते। मैंने तो कहा है कि समाजवादियों के साथ अंबेडकरवादी भी साथ आए, क्योंकि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। अगर लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा तो सोचो हमारे अधिकारों का क्या होगा। और ये एक बार अपील नहीं की, मुझे अच्छा हुआ कि आपने याद दिला दिया। मैं फिर अपील करता हूं कि हम सब लोग बहुरंगी लोग हैं, लाल रंग हमारे साथ, हरा रंग साथ, सफेद, नीला, तो हम चाहते हैं कि अंबेडकरवादी भी साथ आए और इस लड़ाई को और मजबूत करें। आखिरी सवाल, आने वाले समय में भर्तियां और बड़े पैमाने पर होंगी। जो फौज की भर्ती थी रुकी पड़ी है, बहुत वर्षों से नहीं हुई है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जितने भी रिक्त पद हैं सरकार में, लगभग 11 लाख रिक्त पद हैं सरकारी, वो खाली हैं, वो आखिरकार सरकार ने क्यों नहीं भरे? तो कहीं ना कहीं जितने भी सरकारी रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा समाजवादी सरकार। एक रंगी को हटाना है, नहीं जातिवाद नहीं मुद्दा, आज भी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई है। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।